हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंगो आइसक्रीम, जो घर पर दो तीन चीज़ों से बड़ी आसानी से बन जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट के जैसा होता है। तो आइए इसको बनाते हैं। इसके लिए हमने 2 कप क्रीम ली है, ये हमने फुल फैट क्रीम ली है। अब हम इसको एक बीटर की मदद से बीट कर रहे हैं। ये हमने क्रीम बीट कर ली है, इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस इतना करना है कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। इसको बीट करने में 3 से 4 मिनट हमें लगे हैं। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, ये 1 कप से थोड़ा कम है। अब इसको भी डाल के 2 मिनट के लिए हम बीट कर लेंगे। अब इसके बाद ये मैंगो प्यूरी है, जो हमने 2 आम को पीस के प्यूरी बना ली थी, ये डाल देंगे हम। और ये हमने दशहरी आम लिए थे, ये खाने में बहुत अच्छे और बहुत मीठे होते हैं। इसकी आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी बनती है। इसको डाल के भी हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब हमने ये लिया है 1/2 कप दूध, इसमें हमने 2-3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था, ये भी हम डाल देंगे, जिससे आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम एक स्पैचुला से भी एक बार मिला देंगे इसको अच्छी तरह से। अगर आपके पास मैंगो एसेंस हो तो इसमें 1/2 चम्मच डाल दें तो और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मेरे पास नहीं था इस टाइम, तो हमने नहीं डाला है। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर बनाने में बस 5 से 6 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है बनके। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। और इसको डाल के हल्का सा फटक देंगे, जो इसमें अंदर एयर बबल हो वो बाहर निकल जाए। और इसको कवर करके हम ओवरनाइट फ्रीजर में रख देंगे, जिससे ये अच्छे से जम जाएगी। देखिए आइसक्रीम पूरी तरह से जम चुकी है, हमने इसको पूरी रात के लिए रख दिया था, ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसको निकाल के भी दिखाते हैं। बाउल में पानी लिया है और ये स्कूपर को पानी में थोड़ा सा डिप कर देंगे इस तरह से, फिर हम आइसक्रीम निकालेंगे। देखिए कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बनी है, ये देखिए। और कितने अच्छे से निकल रहे हैं इसके स्कूप।
तो लीजिए, बनकर तैयार है बहुत ही डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम। इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी बनती है, मार्केट से कहीं भी ज़्यादा अच्छी तरीके से घर पे बन जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।